नौकरानी के साथ 420 के आरोप में एक मालकिन गिरफ्तार। इनकम टैक्स वो पैसे डबल करने के नाम पर ऐंठती थी पैसे और सोना। दरअसल मालाड पुलिस ने बीजेपी की महिला को गिरफ्तार किया है, जो अपने आप को करोड़पति बताकर पहले घर में महिलाओं को नौकरी पर रखती और फिर उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा कर उनके पैसे और ज्वेलरी को डबल करने का लालच देकर पैसे ऐंठ लेती है। जब नौकरानियों का पैसा देने का समय आता है तो उन्हें गोलमाल घुमाकर पुलिस में बंद कराने की धमकी देते हुए नौकरानियों के पैसे हजम कर जाती। वहीं लक्ष्मी देवेंद्र नाम की एक नौकरानी ने मालाड पश्चिम के ऑलरन जैसी हाई प्रोफाइल इलाके में रहने 33 वर्षीय पैट्रिसिया डिसूजा नाम की महिला के खिलाफ मालाड पुलिस थाने में शिकायत की है। वहीं पुलिस ने बताया कि पैट्रिसिया डिसूजा के खिलाफ IPC की धारा 406 420 के तहत मामला दर्ज कर उसे 20 दिसंबर को गिरफ्तार कर बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 23 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी दी गई है। वहीं उसका कहना है कि आरोपी महिला कई लोगों को अपने आप को बीजेपी का नेता बताकर भी पैसे ऐंठी है। महिला ने फेसबुक पर भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर मुंबई जिला का पूर्व उपाध्यक्ष बताया है। पुलिस आरोपी मालकिन को गिरफ्तार कर अब इस बात की जांच कर रही है कि यह महिला और कितने लोगों के साथ ठगी कर चुकी है। पेश है मालाड की यह खास रिपोर्ट। मालाड पुलिस स्टेशन में CR नंबर 120/17 रजिस्टर्ड है। इसमें जो एक्यूज्ड है उसने अपनी मेड सर्वेंट से कुछ 50 ग्राम के तकरीबन 500 ग्राम सोना लिया था। इनकम टैक्स में दिखाना है ये बहाना करके, और बाद में वो वापस नहीं दिया। उसके बदले में चेक ही होगी, गलत चेक दिए थे। तो इसमें ये दिल्ली को एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और 23 तारीख तक पुलिस स्टेशन रिमांड है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये कुछ सुनाई दे रहा है, उसमें हम अभी इंक्वायरी कर रहे हैं कि और किसी के साथ अगर ऐसा चीटिंग हुआ अभी इन्वेस्टर उनके साथ या कोई अनसस्पेक्टिंग हाउसवाइफ्स है उनके साथ कोई चीटिंग हुआ है तो वो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनकम टैक्स का चेकिंग में दिखाना है, मेरा 70 तोला सोना है, उसमें 6 तोला कम पड़ रहा है, वो मेरे को दिखाएगा तो फिर मैं रिटर्न आपको दे देगा। आपका घर पे कौन कौन है पूछा, मैं बोला मेरा मम्मी है, मैं 2 बच्चे है, पापा है, हस्बैंड नहीं ऑफ हो गया। फिर ऐसा सब बोला तो बोला बच्चे लोग का हॉस्टल का हेल्प करेगा, मेरे को एक हेल्प करो, आपको तो 3 दिन में रिटर्न आपका सोना भी दे देगा, बच्चे लोग का हॉस्टल का हेल्प भी करेगा और आपका पगार भी दे देगा, ऐसा बोला सर। कितना सोना लिया आपको? 6 तोला लिया सर। बाद में 6 तोला लिया, उसके बाद मेरे को धमकी दे रहे, मैं पूछने गया बोलते हैं अभी कुछ हुआ नहीं, मैं दे रहा ऐसा ऐसा बोल के तारीख में तारीख दे के गया। फिर वो बोल रहा था क्या, मैं बोला भाभी दो, मेरा दीदी दूसरे लोग का है, वो लोग को देने का है, वो लोग आके झगड़ा कर रहे हैं। उसका नाम क्या है और आप वहाँ पे क्या काम करते हैं? वहाँ सब काम, बर्तन, कपड़ा, खाना पीना, वो बच्चे को स्कूल छोड़ना नीला के सब करती थी। उसका दो क्या नाम है? पैट्रिसा। अच्छा। पैट्रिसा डिसोसा। क्या करती हो? वो टीवी रखल के वो पुलिस को फोन किया, चौकी में फोन करके वो लोग आया गाड़ी लेके, हम लोग को लेके गया चौकी में। फिर मैं उसके पहले ही इंसी करके रखा था, इंसी करके रखा था। फिर वो लोग ने बोला उसका सोना उसका पैसा दे दो, 2 महीने का पैसा भी दे दो, जो हाथ में 8,000 लिया वो भी दे दो, ऐसा वो बोला। 1 हफ्ते का टाइम दिया, बोला सोमवार को। मैं बोला मैं अलग से नहीं लेगा सर, मैं इधर ही आपके पास देने के लिए बोला, आपके पास से मैं लेगा सर। ओ सर के नाम, हाँ ऐसा बोला। बोला ठीक है, फिर वो गया तो उसके बाद आया ही नहीं। फिर मैं चौकी में रोज रोज जाके जा सुबह से रात तक उधर ही रुकता था। वो लोग बोला अभी हम लोग नहीं करेगा, आप लोग जाओ, आप दिया ना आप ही लो, हम लोग कुछ नहीं करेगा, ऐसा सब बोले। फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया? हाँ, फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार, ये सर ने, धोनी सर ने हम लोग को हेल्प किए, धोनी सर ने हेल्प करके उसको पकड़ा के दिए। कितना गया आपका पैसा? सर वो मेरे से अच्छे अच्छे बात करती थी और फिर मेरे को बोली क्या ना, मेरा ना कांग्रेस में चलता है, मैं कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ, मेरा मानव अधिकारी का कार्ड है और पुलिस में मेरा चलता है और हम लोग ना गरीब लोग को मदद देते। तो मैं बोली मैडम ठीक है,
मेरी मम्मी को थोड़ा पैसे की जरूरत थी, तो फिर उसको भी 4 लाख की जरूरत है। तो बोले ठीक है, अगर ऐसा है ना तो मेरे पास एक आदमी है चौधरी करके, तो वो हम लोग है ना, हम लोग के एक मेरा भी थोड़ा सोनार का कर्जा है। तो फिर वो मेरे को बोली क्या फिर तुझे फिर 40,000 भरना पड़ेगा। मैं बोली मैडम मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, अभी ये मंगलसूत्र पहनी और चेन है मेरा। तो बोली ठीक है, मेरे पास एक सोनार है कांदिवली में। और टोटल कितना पैसे आपसे ली है और लास्ट में क्या बोले? पूरा 5,20,000 कैश। क्या बोल के ली थी? ऐसे ही लोन करा के देती हूँ, 7 दिन में लोन करा के देती हूँ ऐसा। अच्छा, ऐसा फिर वापिस नहीं दिया? वापिस नहीं दिया सर, मैं मांगती है ना तो अभी मेरे को धमकी देती है। तो मैं बोली मैडम कुछ तो प्रूफ दे, उसने मेरे को एक चेक दिया 5 लाख का। पेट्रिशा पेट्रिशा डिसोजा, वो जो आदमी के इन्फ्लुएंस लगा के वो आदमी के सोर्स का तक पहुंच जाती है, और जिसके पास गोल्ड उसके पास जो प्रॉपर्टी रहता है उनको वो ऐसा बोलती है तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी है तो मैं 2 मिनट में आपका सॉल्व करेगा। और वो जब आदमी वो लालच में आता है तो वो बोलता है हाँ मेरी प्रॉपर्टी है गोवा में है, तो बोला कितना है, तो बोला ऐसा ऐसा है, तो एक काम करो मेरे पास बड़े बड़े बिल्डर है। फिर बाद में बोलता है बिल्डर को लाने के लिए मेरे को 10-20 लाख रुपए लगेगा, वो देने के बाद वो बिल्डर अप्रोच करेगा और आपको जो डील है वो मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। और ऐसे भी लोग हैं जो उसको दिया है 40-50 लाख और बाद में वो पैसा लेके रवाना हो गई है। नहीं अभी तक उसको सजा नहीं मिला, अभी 3 दिन का रिमांड मिला है, 2 दिन का रिमांड मिला है, अभी पुलिस उसमें कितना सफलता लेती है उस पर। अभी तक हमको तो 10 आदमी उसके झांसे में आया है, उसकी हमारे पास इंटीमेशन आया है। सर आपका नाम? मेरा नाम रॉनी गैब्रियल मेनेजिस है और मैं यहाँ के शाखा अध्यक्ष।